हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ग्रेफाइट पेंसिल से रियलिस्टिक आई स्केच कर रही हूँ। यह वीडियो मैंने बिगनर्स के लिए बनाई है, जो स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको यह ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले नए प्रोजेक्ट्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने पेंसिल से आई के शेप को ड्रॉ कर लिया है। मैंने यहाँ पर आई के आई बॉल को ड्रॉ करने के लिए 10B नंबर की पेंसिल यूज़ की है। यह काफ़ी डार्क शेड में होती है। मैंने आई के आई बॉल को काफ़ी डार्क किया है, इसके लिए मैंने कम्प्लीटली इसे कवर किया है 10B नंबर की पेंसिल से। आई बॉल के मिड में मैं रेक्टेंगुलर शेप का एक वाइट स्पेस छोड़ रही हूँ, जिसे मैं पेंसिल से कलर नहीं करूँगी। आई बॉल के आउटर एरिया को भी मैंने 10B नंबर की पेंसिल से ही स्केच किया है। मैंने यहाँ पर 5B नंबर की पेंसिल से फाइन लाइंस ड्रॉ किए हैं, जो कि बिल्कुल भी सिमिलर नहीं हैं। आईबॉल के वाइट एरिया को मैं अभी फाइन लाइन से कवर करूंगी। मैंने यहाँ पर 1 नंबर का फ्लैट ब्रश यूज़ किया है शेडिंग के लिए। मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप ब्रश से शेडिंग करें, यह प्रोसेस काफ़ी स्लो होना चाहिए। ब्रश को बिल्कुल भी हमें फास्ट फॉरवर्ड यूज़ नहीं करना है। जितना स्लो ब्रश से शेडिंग करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगी कि जब कभी भी फ्लैट ब्रश का यूज़ शेडिंग के लिए करें, तो ब्रश को हमेशा स्ट्रेट यूज़ करें। उसे कभी भी फ्लैट करके यूज़ ना करें, इससे प्रॉपर शेडिंग नहीं आती है। आई के इस पोर्शन को कवर करने के लिए मैंने चारकोल डस्ट यूज़ किया है। कभी भी चारकोल डस्ट को डायरेक्ट ब्रश में लेकर यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे सिमिलर शेडिंग नहीं हो पाती है। चारकोल डस्ट को ब्रश में लेकर टिश्यू पेपर पर हल्का रब कर लें, फिर इसे यूज़ करें। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी कि ब्रश से शेडिंग के इस प्रोसेस को काफ़ी स्लो मोड में करेंगे। मैंने यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में रखा है, इसलिए यह काफ़ी रैपिड प्रोसेस दिख रहा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पेंसिल से ड्रॉ किए गए पोर्शन पर कभी भी डायरेक्ट हाथ ना रखें। जब कभी भी ऐसी ज़रूरत हो, तो एक पेपर रख कर फिर हाथ रखें। यहाँ पर मैंने आईब्रो में शेडिंग के लिए भी चारकोल डस्ट ही यूज़ किया है। चारकोल डस्ट से मैंने यहाँ पर आईब्रो का बेस तैयार किया है।
मैंने यहाँ पर 10B नंबर की पेंसिल यूज की है आईब्रो में फाइन लाइंस डालने के लिए। आई बिल्कुल भी रियलिस्टिक लगे इसके लिए मैंने यहाँ पर वाइट चारकोल पेंसिल यूज किया है। अगर आप चाहें तो पेंसिल इरेजर भी यूज कर सकते हैं। ड्रॉ किए गए पोर्शन से डस्ट हटाने के लिए कभी भी हैंड यूज ना करें, हमेशा ब्रश यूज करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। Please like, comment and share my video and also do subscribe to my channel. Thank you.